लोग ओके बोलेंगे। सौम्या ऑल योर्स नाउ. क्या क्या दीज दीज आर आर ओके. फीमरल हेड प्रोस्थेसिस, ओके दीज आर यूज्ड फॉर हेमी आर्थोप्लास्टी, दैट इज फीमरल हेड रिप्लेसमेंट, ओनली फीमरल हेड रिप्लेसमेंट। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फुल हिप रिप्लेसमेंट, ये फीमरल पार्ट बनाता है ऑफ द फुल हिप रिप्लेसमेंट। फुल हिप रिप्लेसमेंट मेक्स द एसिटाबुलम का भी रिप्लेसमेंट होता है। ओके ओके ठीक है. एसिटाबुलम होता है ना इधर जिसमें फिट होता है, वो भी रिप्लेस होता है फुल हिप रिप्लेसमेंट में। हेमी में सिर्फ आधी रिप्लेस होता है। ठीक है. अब इन तीनों में आने से पहले थोड़ी सी इसकी एनाट समझ लेते हैं। इसकी एनाट में ये मोस्टली दीज फ्रैक्चर्स आर यूज्ड फॉर इंट्रा ट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर्स। ओके ये ट्रोकेंटर इसके बीच में फ्रैक्चर, तो इंट्रा ट्रोकेंटरिक इधर बेटर, अच्छा बेटर ऐसे इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स होता है। बाकी अदर यूजेस, एक तो हेमियार्थ्रोप्लास्टी हुआ, एक इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो गया। बाकी आते हैं नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर के लिए यूज होता है एक, और ये इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स का एक केस होता है, जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स होता है जिनमें इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स नहीं है इधर। इट्स जस्ट अ सिंपल इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर एल्डरली पेशेंट एंड बेसी सर्वाइकल फ्रैक्चर। बेसी सर्वाइकल तो आप कहना चाहती हो कि नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर जब भी हो, बेसी सर्वाइकल फ्रैक्चर जब भी हो, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जब वो एल्डरली पेशेंट है, तो हमेशा हम ये प्रोस्थेसिस लगाएंगे। ये प्रोस्थेसिस यूज करेंगे। जब ये सिर्फ अकेले प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, एसिटाबुलम का प्रोस्थेसिस नहीं यूज करते हैं, तब हम इसको कहते हैं हेमी हिप हेमी हेमी प्लास्टिक हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। और एक कंडीशन है जिसमें ये यूज होता है, जब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड होता है इन एल्डरली। अब हम आते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि ये जो लेसर ट्रोकेंटर है इसका 1 to 1.5 सेंटीमीटर अबव देयर इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ फेमोरल नेक। अच्छा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एरिया ऑलमोस्ट यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर के थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा ऊपर 1 to 1.5 सेंटीमीटर अबव, दिस इज कॉल्ड फेमोरल कैल्कार। फेमोरल कैल्कार का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो प्रोसेस बैठने का ये जगह देता है। अच्छा यहीं पे हम फिट करते हैं, यहीं पे जगह क्यों यहाँ पे देते। अच्छा ये आप कहना चाह रहे कि ये ऐसे बैठता है, मतलब यहाँ से डालते हैं ऐसे, एक मिनट, यहाँ से डालेंगे तो ऐसे ऐसे जाते जाते यहीं पे कैल्कार पे आके बैठेगा ना। अब ये यही क्यों इम्पोर्टेंट है, पूरी बोन पे तो कहीं भी बैठ सकती थी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, थिकेस्ट पार्ट है। ये इतनी बड़ी प्रोस्थेसिस को नेक्स्ट दिन, सर्जरी के नेक्स्ट दिन से फुल मोबिलाइजेशन करते हैं। फुल मोबिलाइज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पार्ट पे ही ना बिठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ऐसे लंबी लंबी क्रैक होगी फिर, है ना, हमारी बॉडी की पूरी वेट जाती है इसके थ्रू। अब आते हैं इन पे, ठीक है, प्रोस्थेसिस। ये इसमें जो है भी दो टाइप होता है प्रोस्थेसिस का, ये यूनिपोलर, ओके, ये दोनों, एंड ये बाइपोलर। ओके बाइपोलर क्यों कह रहे हैं इसको, यूनिपोलर में ये वन लीवर के अगेंस्ट ही काम करते हैं, लाइक इट वर्क्स अगेंस्ट वन लीवर एक्सेस। ओके इसमें दो लीवर्स है, एक तो एसिटाबुलम और इसका गोल होने से एक लीवर हुआ, एक इसकी खुद की लीवर एक्सेस। अच्छा ये अच्छा, तो इससे इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये अगर एसिटाबुलम है ये फिट हो गया इसके अंदर, फिट होने के बाद भी इट डजंट इरोड द एसिटाबुलम, क्योंकि ये फिट हो गया, इट हैज मोबिलिटी हियर। हाँ तो मुझे याद आ रहा है सर ने भी बोला जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ी और एसिटाबुलम जो है थोड़ा बहुत टूटा हुआ था उसमें भी इसको यूज करते हैं ना, जबकि इसमें इनमें हम यूज करेंगे तो ये तो घिसेगा एसिटाबुलम पे, डैमेज तो एसिटाबुलम घिसेगा। अब इनकी मोस्टली लाइफ स्पैन ही 15 to 20 ईयर्स, दोनों की सबकी, अच्छा 15 to 20 ईयर्स की होती है, तो हम ऐसे ही पर्सन में लगाएंगे जिसकी लाइफ स्पैन उससे कम हो, मतलब 60 above में हम करते हैं 65 प्लस। अब इनको लगाने का भी एक वो होता है, क्या बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया, तो हम इंसान का मोबिलिटी एंड नीड के ऊपर से भी लगाते हैं कितना चलना फिरना होता है, क्योंकि ये कॉस्टली आती है। क्या बाइपोलर, बाइपोलर ये कॉस्टली आती है और ये सबसे सस्ती आती है। अब आते हैं इनके नामों पर थोड़ा सा, इसका नाम बाइपोलर ही है। अच्छा इसका नाम बाइपोलर ही है, बाइपोलर हिप प्रोस्थेसिस। ओके बाइपोलर फेमोरल हेड प्रोस्थेसिस, हिप प्रोस्थेसिस, इन दोनों का अलग अलग लोगों के नामों पे रखा गया है। दिस इज कॉल्ड, इसका क्या, थॉमसन, थॉमसन्स, और इसका नाम है ऑस्टिन मोर्स। इसमें याद रखने का है मोर्स से ओ ओ, ठीक है, इसमें ओ ओ होल से। अब इनमें आते हैं थोड़ी इसकी पार्ट्स पे, ये इसकी पार्ट, दिस इज हेड, दिस इज नेक, ओके, दिस इज कॉलर, दिस इज स्टेम, ओके, दिस पार्ट फिट्स ऑन दैट कैलकार।
ओके ओके और इसकी डेप्थ इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेप्थ, ये पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे इसकी, और इसकी डेप्थ, इसकी डेप्थ थोड़ी ज्यादा है, इसकी डेप्थ ज्यादा है, जिसमें गोल गोल है उसमें डेप्थ कम है, इसमें तो ये हम किस में लगाएंगे, जिसकी फेमोरल कैलकार इज इन गुड, नॉट इन दैट गुड कंडीशन, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा देती है, मतलब जिसका कैलकार अच्छा नहीं उसमें ये लगाएंगे, जिसका कैलकार अच्छा है इसमें ये लगाएंगे, क्योंकि इसकी डेप्थ कम है ना, तो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी तो बोन देगी, इसमें थोड़ा गड्ढा रहता है कैलकार में, मस्त टूट गया, ठीक है अब इन इसमें होल्स क्यों है, क्या डिफरेंस बना इन दोनों का, इसमें होल्स है क्योंकि बोन अच्छी कंडीशन में है, बोन रिकॉन्फॉर्मेशन भी अच्छी है, तो फिर हम इसको लगाएंगे, बोन इसके थ्रू थ्रू ग्रो करेगा, ग्रो करते इसको रोटेशनल स्टेबिलिटी मिलेगा, नहीं तो बोन के अंदर तो ये गोल गोल घूमेगा फिर, है ना, तो ये रोटेशनल स्टेबिलिटी देता है, ये तो कैलकार पे फिट हो जाता है, तो इसको उतना रोटेशन होता नहीं है। अब ये वाली थोड़ी सी, ये तो एक सिंपल वर्ड्स में ये वाला लगाएंगे जब बोन अच्छी है, ये वाली लगाएंगे जब बोन घटिया घटिया बोन है और कैलकार टूट गया है, कैलकार स्ट्रांग नहीं है, उसमें ये लगा देंगे, ठीक है। और इनको फिक्स करने के लिए हम बोन सीमेंट भी यूज करते हैं, क्योंकि ड्रिल करेंगे और बोन सीमेंट डाल के फिर इसमें, दोनों में बोन सीमेंट यूज करेंगे, अच्छा सब में बोन ऐसे खाली कर देते हैं, फिर इसको बोन सीमेंट पोर कर देते हैं, पॉलीमिथाइल में थैक्रिलेट था नहीं, फिर इसको इसमें डाल देंगे, अब ये रख देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर तो ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ तक डालेंगे ना पूरा, मतलब ठीक है ओके, एनीथिंग एल्स, आई डोंट सी, ओके ला।